दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर आधी रात के समय सुंबुल तौकीर खान ने एमसी स्टैन को एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर एमसी स्टैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में एमसी स्टैन, शिव ठाकरे और सुंबुल तौकीर खान आपस में बातचीत कर रहे थे, और इस दौरान जहाँ शिव ठाकरे प्रार्थना में लगे हुए थे तो वहीं दूसरी ओर एमसी स्टैन और सुंबुल आपस में बातचीत कर रहे थे। और इसी दौरान सुंबुल ने एमसी स्टैन को कहा कि देख यार, मैं जब भी कोई गाना सुनती हूँ तो पहली बार में मुझे कोई भी आज तक गाना पसंद नहीं आया है। शुरू शुरू में गाने कम सुनती हूँ लेकिन बाद में वही सॉन्ग मेरे फेवरेट्स बन जाते हैं, यानी कि पहली बार में उनको कोई भी गाना अच्छा नहीं लगता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद में सुंबुल ने कहा कि मैंने जब तुम्हारे घर के अंदर कॉन्सर्ट हुआ था तो उसमें तुमने ऐसा एक भी गाना नहीं गाया था जो कि मुझे पहली बार सुनते ही पसंद ना आया हो। यानी कि दोस्तों, सुंबुल तौकीर खान को लाइफ में पहली बार एमसी स्टैन के गाने इतने पसंद आए हैं कि वो उनकी बड़ी वाली फैन बन चुकी है। और सुंबुल ये भी कह रही है कि बाहर जाने के बाद वो खुद नहीं जानती कि वो स्टैन के गानों को कितनी बार सुनने वाली है। उनका जो म्यूजिक वगैरह है वो सुंबुल को इस कदर भा गया है कि वो अभी बिग बॉस के घर में भी रहते हुए एमसी स्टैन के गानों को एक बार फिर से सुनना चाहती है। और दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर एमसी स्टैन को काफ़ी खुशी मिली। फिलहाल आपको सुंबुल की बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी स्टैन और सुंबुल के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।